हेलो दोस्तों, मैं हूं एमजी जॉन और आप देख रहे हैं एमजी जॉन स्पीक्स। ये हमारा एक ब्लॉगिंग नेटवर्क है, इससे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज आपको पता ही है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना खड़ी हो गई है। पहले हम बता दें कि हमारा नेटवर्क कंगना रनौत को फुली और कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका जो डेयरिंग एटीट्यूड है शुरू से बॉलीवुड के खिलाफ, उससे पूरी इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड इम्प्रेस है और हम भी इम्प्रेस है। हम कंगना रनौत को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, कंगना रनौत के खिलाफ जो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मेरा सवाल ये है शिवसेना से कि आप क्यों ये दंगा कर रहे हो। पहले अपने सिटी को देखिए, पहले अपने महाराष्ट्र को देखिए, आपने किस स्थिति में आप उसको लेके पहुंच चुके हो। और अगर आज कोई आप लोगों की सच्चाई बता रहा है तो आप लोगों को रास नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए फर्स्ट डे से एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि कैसे ये बॉलीवुड जो है, ये गंदा बॉलीवुड, गिरा हुआ और घिनौना बॉलीवुड, ये क्या करता है, ये कैसे किसी आउटसाइडर को पकड़ता है, उसको घेरता है, फिर मारता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही किया गया। राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा, जो सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक्स माने जाते हैं, पता नहीं सबसे बड़े कैसे माने जाते हैं, इनके फिल्म क्रिटिक्स मैंने सुने थे, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जाके फिल्म देख लेनी चाहिए, ना कि इनकी फिल्म क्रिटिक्स सुनने चाहिए। अनुपमा चोपड़ा और राजीव मसंद ने एक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खबर चलाई थी कि ये जो है, ये लड़कियों को हरास करते हैं, और संजना संघी, जिन्होंने दिल बेचारा में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था, उनके साथ भी इन्होंने हरासमेंट की थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान थे। आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत इस तरह के व्यक्ति ही नहीं थे, बाद में ये बात निकल कर सामने भी आई, लेकिन जिन दिनों में ये बात साबित नहीं हुई थी, उन दिनों में सुशांत सिंह राजपूत ने कम से कम 10 दिन संजना संघी को बहुत बार फ़ोन किया। 10 दिन हो गए थे और उन्होंने, संजना संघी उस टाइम शायद इंग्लैंड में थी, कहीं फॉरेन कंट्री में थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया सुशांत सिंह राजपूत का। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उसमें फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। उस खबर को रिजेक्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी उनके साथ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया है। उस पर भी कई सवाल उठे, संजना संघी ने क्यों ऐसा किया, 10 दिन तक कोई इंसान आपको कॉल कर रहा है लेकिन आप कॉल नहीं उठा रहे हैं उसका। आई थिंक 10 डेज ही थे, जितने दिन भी थे, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, वो इंसान रात को सो नहीं सका उस वजह से। कितनी बड़ी बात होती है जब कोई आप ऐसा फॉल्स एलिगेशन लगा दे। अब कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत ने स्टार्टिंग से ही ये बात जो है रखी सबके सामने कि बॉलीवुड कैसे किसी आउटसाइडर को घेरता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी वही किया गया। राजीव मसंद और अनुपमा चोपड़ा ने एक खबर चलाई कि ये हरासमेंट करते हैं, और सुशांत सिंह के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला। और साथ ही एक और फिल्म क्रिटिक है KRK, जिन्होंने, जो आज सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत क्रिटिसाइज़ किया और कहा, और बहुत खुश थे वो कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया गया है, वो एक सीरियल एक्टर है, वो उन्हीं की ज़ुबानी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये ऐसे दोगले डिप्लोमेटिक लोग हैं जो फिल्म क्रिटिक्स बन के लोगों का पैसा खाते हैं और आउटसाइडर्स को बदनाम करते हैं। पैसा कहाँ से खाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इनको पैसे देते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। अदरवाइज़ कोई किसी को बदनाम क्यों करेगा बेफालतू में। आखिर सुशांत से क्या दुश्मनी थी? क्या अनुपमा चोपड़ा ने शाहरुख खान को कभी बदनाम किया, करण जौहर को बदनाम किया, क्या कभी ऋतिक रोशन को बदनाम किया? लेकिन नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम किया, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि आउटसाइडर बॉलीवुड में आए। तो कंगना रनौत स्टार्टिंग से ही, जब से सुशांत सिंह राजपूत मरे, बिना किसी पॉपुलैरिटी की चिंता किए उन्होंने इस लड़ाई में कूदे। जबकि उस टाइम लोग जो थे सिर्फ बोलना स्टार्ट ही हुए थे, तब से कंगना रनौत हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारी लड़ाई के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने एंड तक ये लड़ाई छेड़ी रही। और रिपब्लिक TV में भी आके अनब गोस्वामी के शो में बड़े बड़े खुलासे किए कि क्या क्या होता है बॉलीवुड में। इस बार भी हाल ही में, अभी वो जब ड्रग एंगल निकल के सामने आया, तब भी कंगना रनौत सामने आई और उन्होंने कहा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है। अगर बॉलीवुड ड्रग्स में नहीं डूबा हुआ है तो बॉलीवुड को आके सामने क्लियर कर देना चाहिए कि हम कोई ड्रग्स नहीं लेते, कोई कोकेन नहीं लेते, कोई हीरोइन नहीं लेते, कोई गांजा नहीं लेते। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। इसी के साथ कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये मुंबई के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो एकदम फेक है, फॉल्स है। अगर फेक है और अगर फॉल्स है, तो संजय राउत, जो शिवसेना के लीडर हैं,
उनको कोर्ट में ले जानी चाहिए, ये बात अदालत में ये बात साबित करनी चाहिए कि कंगना रनौत झूठ बोल रही है, ना कि वो ट्विटर में शेयर बने, व्हाट्सएप में शेयर बने, फेसबुक पे शेयर बने, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे शेयर बने। वहाँ पे शेयर बनने के बजाय आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके साबित कीजिए कि कंगना रनौत झूठ बोल रही है। दूसरी बात, मुंबई जो है वो हिंदुस्तान नहीं है। रितेश देशमुख के एक ट्वीट में रितेश देशमुख जी ने कहा है कि मुंबई हिंदुस्तान है, मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में मुंबई आता है। और मुंबई अगर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह है, तो आप लोगों ने उस पवित्र जगह को दो कोड़ी का बना के रख दिया है। पहले अपना मुंबई देखिए, पहले अपना महाराष्ट्र देखिए कि आपने उसकी क्या हालत की है। वहाँ ड्रग पेडलिंग, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, आपको बता दूं दाऊद इब्राहिम भी आप ही के शहर से निकला है, मुंबई से ही निकला है, महाराष्ट्र से निकला है, वो कोई अलग जगह से नहीं निकला है। आप लोगों ने खुद अपने छत्रपति शिवाजी की ज़मीन को अपवित्र कर दिया है और उसको आपने अशुद्ध बना दिया है, क्योंकि आप लोगों ने ना उसका मान रखा ना कुछ। हाँ, कोई आप पे इल्ज़ाम लगा दे, कोई आपकी सच्चाई बता दे, तो आप छत्रपति शिवाजी का हवाला देते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि वही शिवाजी अगर आज ज़िंदा होते तो उन्हें कितना दुख लगता, जिन मुगल्स के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, जिस हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान के तौर पे देखना चाहते थे, उस हिंदुस्तान को आप लोगों ने ड्रग माफियाज जो दुबई से कनेक्टेड हैं उनके साथ मिलके आप लोगों ने उसको ऐसा दूषित कर दिया है कि अब उस मुंबई में कोई पैर भी नहीं रखना चाहता। अगर आप लोग अपने ही छत्रपति शिवाजी की ज़मीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ख्याल फिर हम सभी को रखना पड़ेगा, पूरे देश को रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश को छत्रपति शिवाजी की चिंता आपसे ज़्यादा है, आप ही को नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मुंबई में आपकी ओनरशिप नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं है, ओनरशिप नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, POK नहीं है वो। आप लोगों को इतना गुस्सा आया कि आपने कंगना रनौत की बात पे रिएक्ट किया कि इसने POK क्यों बोला। आप हरकत ही वैसे कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की तरह हरकत कर रहे हैं। अगर मैं भी POK चला जाऊं तो मुझे भी निकाल के फेंक देंगे या मार देंगे। आप लोग भी वही कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मुंबई जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं, ये हमारा इलाका है, हमारा है सब कुछ। इससे पता चल रहा है कि आप लोग कितने ज़्यादा इस मैटर में, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को बहाना चाहिए कोई ना कोई बात खड़ी करने का। पहले आप CBI रिमांड नहीं चाहते थे, फिर आप नहीं चाहते थे कि इसमें स्टेटमेंट्स किसी के लिए जाए। आपने सुशांत सिंह राजपूत को छोटा एक्टर बोला, पुरजोर कोशिश की आपने CBI के हाथ में ये केस ना जाए। आप लोगों ने एविडेंस टैम्परिंग करवाए, मुंबई पुलिस ने एविडेंस टैम्परिंग करवाए, बात सामने आई, फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद आप लोग जब CBI के हाथ में ये केस चला गया, आप लोग CBI के बारे में बोलने लग गए कि ये भी आरुषि तलवार की तरह ही ऐसे ही फेलियर हैं, आरुषि तलवार केस में भी फेलियर थे, इस केस में भी फेलियर थे, इस केस में भी फेलियर थे। क्योंकि आप लोगों की जो पुलिस होती है, और जो पुलिस होता है जब वो CBI को अपना केस देता है तो पूरे एविडेंस टैम्परिंग करके ही देता है, और इसलिए CBI कभी ढूंढ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल होता है उसको ढूंढना। फिर भी सुनंदा पुष्कर जैसे केसेस में जहाँ पे बहुत सबूत मिटाने की कोशिश की गई, वहाँ पे CBI ने बहुत रिमार्केबल जॉब किया, जिसका हवाला आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोगों ने वही हवाले रखे जिसमें CBI फेल है। तो अपने मुंबई पुलिस का भी हवाला रखिए जहाँ पे आपकी मुंबई पुलिस भी फेल है, और साथ ही आपकी मुंबई पुलिस ने एविडेंस टैम्परिंग करने की कोशिश की, इसका सबूत भी है हम सभी के पास। हम सभी जानते हैं कि उस फ्लैट में क्राइम सीन हो जाने के बाद, जहाँ पे जिस क्राइम सीन में इजाज़त तक नहीं, चिड़िया तक नहीं पाँव रखने की इजाज़त होती, वहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी 12 दिन रहे, पेंट करवाया, फर्नीचर चेंज किए, ये सारे आप लोगों के ही नज़र में रह के हुआ है। इसलिए आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो कि आप पे भरोसा रखा जाए। और जो दो कोड़ी का मुंबई है आपका, जहाँ आपने ड्रग पेडलिंग चला के रखा हुआ है, वो अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। NCB पहुँच चुकी है, मैं कहता हूँ NIA को भी पहुँचना चाहिए, और आपकी सारी करतूतें सामने रखनी चाहिए, ताकि हम जो है गर्व से कह सकें कि अब हमारी ये छत्रपति शिवाजी की जो ज़मीन है वो पवित्र हो चुकी है। हम कम्प्लीटली कंगना रनौत को सपोर्ट करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो लेडी हैं, वो शेर हैं, जिसने झांसी की रानी के ऊपर फिल्म बनाई है, मराठा गौरव की बात रखी है।